हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्ज़ाम के बारे में, कि उसके अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो किस प्रकार का पैटर्न होगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहें फ्रेंड्स, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि उसके अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, बिल्कुल सिंपल पैटर्न होगा। तीन सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे वो। नंबर वन होगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नंबर टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एंड नंबर थ्री होगी उसके अंदर पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड मैटरनिटी नर्सिंग। तो इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। मॉडल पेपर उससे रिलेटेड है कि उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पुट आउट करेंगे। तो नंबर वन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग इज नोन एज डिस्पेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो कुछ लंबा बन जाएगा इस वजह से। तो आप इसके जो ऑप्शन है वो देख लीजिएगा और पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर थ्री, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज ए बी एंड यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज ओ। आइसोटोनिक सैलाइन कंटेन अमाउंट ऑफ एनएसीएल इज 0.9 ग्राम पर डीएल। ट्यूब एंड कैथेटर आर डिसइनफेक्टेड विद 2% ग्लूटेल्डिहाइड। यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड विद हे टेस्ट। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आई, ए ऑटोस्कोप, बी प्रोक्टोस्कोप, सी ऑप्थेल्मोस्कोप, डी एंडोस्कोप। राइट आंसर इज सी ऑप्थेल्मोस्कोप। 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml एंड 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंफर्ट डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट द फूड ड्रॉप इज फुट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 इज डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर इज 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स, इसमें 2 डिग्री इसलिए है क्योंकि अगर जो क्वेश्चन है वो एक्जिला और रेक्टम इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, ना कि ओरल और एक्जिला का। अगर ओरल और एक्जिला का होता तो इन दोनों के अंदर एक का होता। अगर ओरल प्लस में रेक्टम का अगर पूछता तो भी एक होता। तो इसमें जो क्वेश्चन है एक्जिला और रेक्टल का है, इसलिए 2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। स्लो एडमिनिस्टर ऑफ एनजी फीड हेल्प टू रिड्यूस रिगर्जिटेशन। सबकुटेनियस इंजेक्शन इज गिवन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंगल। HS means at bed time, before meals, after meal, early morning. Right answer is at bed time. Normal pH of urine is range of 3 to 5. Full form of llama, leave against medical advice. Leave again medical advice, low against medical advice. लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लो अगेंस्ट मेडिकल एडवोकेट। तो राइट आंसर इज सी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कुछ मिलते जुलते नाम है तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म करना पहले, उसके बाद राइट आंसर को क्लिक करना। फुल फॉर्म ऑफ आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एग्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी। तो राइट आंसर इज ए।
फुल फॉर्म ऑफ ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ऑप्शन ए एंटी रैपिड थेरेपी, ऑप्शन बी एंटी रेबीज थेरेपी, ऑप्शन सी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो राइट आंसर इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। फुल फॉर्म ऑफ CHO, तो जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसके फुल फॉर्म भी अगर पूछ ले तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। फुल फॉर्म ऑफ ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीटर्म बेबीज बिफोर 37 वीक, बोर्न बिफोर 37 वीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज प्री मेच्योरिटी। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ। नेक्स्ट है कॉपर T380A IUD शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन 10 ईयर। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई फीमेल एनोप्लीज, मेल एनोप्लीज, कोलेक्स एंड एडीज। राइट आंसर इज फीमेल एनोप्लीज। तो फ्रेंड्स ये हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया था इससे रिलेटेड, क्योंकि पेपर में ऐसे ही सिंपल पेपर आएगा तो आप ये मत सोचना कि ये बिल्कुल सिंपल पेपर है, इसी प्रकार से पेपर आएगा। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो वहाँ आपकी रैंक है बहुत डाउन चली जाएगी, क्योंकि सभी को ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर एक भी गलती से सिंपल अगर गलत हो गया तो आपकी रैंक है बहुत पीछे चली जाएगी। तो फ्रेंड्स पेपर को अच्छी तरह करना, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।